आइए दया शंकर सिंह कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो क्या संदेश है, क्या भाई पंकज जी क्या संदेश है दया शंकर सिंह के लिए। हम लोग बैरिया के सातों विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं और एक बार पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपका क्या जी हमारा संदेश है कि हम लोग जो है कि दया शंकर जी को भारी मतों से हम लोग यहाँ से विजयी कराएंगे और पुनः हम लोग जो है कि योगी जी को प्रतिस्थापित कराएंगे मुख्यमंत्री। पूरे विधानसभा में योगी जी लड़ रहे हैं और पूर्व बहुमत 400 की 400 जितने सीटें हैं सब 403 सीटों पर हम लोग यहाँ हम लोग पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं और किसी से लड़ाई नहीं। धर्मेंद्र जी बोले, धर्मेंद्र जी का संदेश है। धर्मेंद्र जी नीरज शेखर के बहुत खास आदमी है, बताइए। बहुत अच्छा रहेगा, चुनाव जीता जाएगा, बहुत अच्छा मार्जिन से जीता जाएगा। दया शंकर सिंह के स्वागत में आज बलिया में जन सैलाब उमल पड़ा है। आज हजारों के कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से कोई बात नहीं, भीड़ है, थोड़ा धक्का मुक्की होगा ही। अभी हम उनके कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से हम लोग सुन रहे थे दया शंकर सिंह के स्वागत में किस तरीके से लोग मैदान में। आइए हम टीडी कॉलेज चौराहे की तरफ चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कभी हुआ करता था, आज भी है। आइए हम बात करते हैं, दया शंकर सिंह काफी भीड़ में है, अभी वो आपके बीच में थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जो दावा किया आपने सुना उस दावे को। आइए देखिए, कड़ी सुरक्षा में पुलिस के जवान भी लगाए गए यहाँ पे। ये टीडी कॉलेज चौराहे के सामने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है और गाजे बाजे के साथ किस तरीके से यह कार्यकर्ताओं के वजह है। दया शंकर सिंह के लिए क्या संदेश है? दया शंकर सिंह बहुत चुनाव बेहतर लड़ेंगे और निश्चित 1,00,000 टिकट हो गया। आइए हम बात करते हैं दया शंकर सिंह के स्वागत में, ऊपर 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 जाओ, दया शंकर सिंह के स्वागत में किस तरीके से यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हैं दया शंकर जी का, आज उनके स्वागत में जैन सलाम उमड़ पड़ा है टीडी कॉलेज चौराहे पर। वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाओं से लदे आज यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता आप लगे आ जाइए। पूरा पूरा देखो पूरा आइए। आज वैसे बलिया नगर में नामांकन हो रहे हैं, आज बलिया में नामांकन हो रहा है, लेकिन दया शंकर सिंह कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन आज प्रथम आगमन उनका हुआ है बलिया नगर में। वो बलिया नगर से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज जो दिख रहे हैं भीड़। आइए हम सामने अब चलते हैं दया शंकर सिंह के सामने, पंडित रामदयन ओझा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आप मीडिया से घिरे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और बलिया नगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी दया शंकर सिंह पंडित रामदयन ओझा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और एक पूरा टीडी कॉलेज चौराहे पर दया शंकर सिंह के सम्मान में आज पूरा जनता है मैदान में। आइए हम बात करते हैं अपने प्रिय साथी जो भाजपा की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं, दया शंकर सिंह के लिए क्या संदेश है? दया शंकर सिंह हम ये गोपाल सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, काफ़ी मतों से चुनाव जीतेंगे। एक तो ये प्रदेश के नेता हैं और लोगों में यह है कि यदि बलिया से जीत करके जाते हैं तो मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से शामिल होना है इनको, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इस बार अधिक से अधिक मतों से इनको विजयी बना दिया जाए। चलिए, गोपाल सिंह ने दावा किया है कि दया शंकर सिंह चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बनेंगे, उसमें मंत्री भी बनेंगे, जैसा गोपाल सिंह ने कहा। दया शंकर सिंह की वही दया शंकर सिंह है जो 2007 में बलिया नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, 2007 से बलिया से चुनाव लड़े, आज वो जनता के बीच यहाँ मौजूद हैं, उनके लोग, उनके समर्थक उनके स्वागत में खड़े। आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय साथी जो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके दया शंकर जी के स्वागत में किस तरीके का शब्द है दया शंकर जी के लिए? पूरा नाम सर। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह है और मैं रसड़ा विधानसभा से नेता भाजपा हूँ। दया शंकर जी के साथ हैं? हाँ, इनके साथ हैं और पूरे जोश के साथ, पूरे लखनऊ से जो इस क्षेत्र के निवास करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी पुराने छात्र हैं, और कभी हम लोगों ने इनको लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनाया था, अब हम यहाँ से विधानसभा में इनको पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी ने दावा किया है कि दया शंकर सिंह बलिया नगर विधानसभा चुनाव से बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनेंगे। आइए हम बात करते हैं, आप और भी साथी हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, उनके स्वागत में इंतजार कर रहे हैं, क्या हालचाल है? तो आप, मैंने कहा ना कि टीडी कॉलेज चौराहे पे जिस तरीके से
आइए आइए आलोक जी, आलोक जी से बात करते हैं कि दयाशंकर सिंह के लिए इन्होंने क्या खास तैयारी की है। हम लोग दयाशंकर सिंह के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी और दयाशंकर सिंह के मिल करके 361 नगर विधानसभा नहीं सातों विधानसभा जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं नेताजी को लेकर आप? हम लोग लखनऊ से चले हैं, सुबह हम लोग 7 बजे लखनऊ से चले और इस समय हम लोग यहाँ पर टीडी का चौराहे पर आए। आपका अगला प्रोग्राम क्या है? अगला प्रोग्राम हम लोग अभी मंदिर दर्शन करेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे कुंवर सिंह चौराहे होते हुए हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, फिर बालेश्वर मंदिर दर्शन, फिर भेरुगु मंदिर दर्शन करते हुए हल्दी तक के देवी दर्शन करेंगे। तो आलोक जी ने कहा कि बलिया नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और दयाशंकर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे और उनकी खास तैयारी के आज पूरे बलिया नगर विधानसभा सीट में वो भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के बाद जो उनका चुनाव कार्यालय जो बनाया है नारायणी सिनेमा हॉल में भृगु आश्रम के पास वहाँ वो जाएंगे। इसके पहले टीडी कॉलेज चौराहे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये दयाशंकर सिंह के सम्मान में आज जो भीड़ उमड़ी है, जो जैन सलाब उमड़ा है उनके स्वागत में, आप देख सकते हैं चारों कार्यकर्ता, आप एक देख सकते हैं किस तरीके से उनके स्वागत में जोरदार तैयारी। आइए अरुण सिंह बंटू से बात करते हैं। बंटू जी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका निभा रही है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, या यूँ कहा जाए कि बलिया के कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, उत्तर प्रदेश के युवाओं के दिलों की धड़कन, भारतीय जनता पार्टी बलिया नगर विधानसभा के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दयाशंकर सिंह जी का आज बलिया प्रथम आगमन हुआ है। हजारों की संख्या में बलियावासियों ने लाखों की संख्या में स्वागत किया है। इस स्वागत से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिभूत हैं और ये पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जो लहर चल रही है वो बलिया बागियों की धरती रही है और बलिया से इसकी शुरुआत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी की 350 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनेगी। अरुण सिंह मंटू का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी सरकार होगी और दयाशंकर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भी साथी हैं जिनके जो उनके स्वागत में हैं और कोई गाड़ी पे है, कोई पैदल है, कोई रोड शो में है, तमाम लोग यहाँ पर उनके स्वागत में मौजूद हैं। टीडी कॉलेज का चौराहा है, जिस चौराहे पर दयाशंकर सिंह मौजूद हैं अपने सैकड़ों लोगों के साथ। अब वो सीधे यहाँ से टीडी कॉलेज से बलिया नगर की तरफ निकलेंगे और उनके स्वागत में देखिए किस तरीके से यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, उनके पुराने साथी हैं। आइए हम नारद सिंह, जो दयाशंकर सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, नारद सिंह जो दयाशंकर सिंह के साथ हमेशा रहते हैं। जी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका होगी? हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका होगी अगली सरकार? फिर से सरकार बनेगी बम्पर रोड से, पिछले 300 पार करेगी। दयाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उसके लिए क्या संदेश? दयाशंकर सिंह सर्वाधिक मतों से जीतेंगे बलिया जनपद में। चलिए, नारद जी ने कहा कि दयाशंकर सिंह अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। आइए हम बात करते हैं दयाशंकर सिंह, आप पुनः गाड़ी पे सवार, सुरक्षा व्यवस्था में किस तरीके से पुलिस के जवान लगे हैं? दयाशंकर सिंह आ रहे हैं, देखिए दयाशंकर सिंह आ रहे हैं, गाड़ी बैठेंगे और रोड शो करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर सुपर दयाशंकर सिंह को किस तरीके से लोग यहाँ पे उनके स्वागत में किस तरीके से लोग खड़े हैं और आज उनके स्वागत में बलिया शहर में जो जैन सलाब उमड़ा है फिर हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए दयाशंकर सिंह अब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ, अब वहाँ से पता चला हनुमान जी का मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो सीधे यहाँ आएंगे। आप टीडी कॉलेज चौराहे की तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके स्वागत में जो भीड़ जुटी है, हालांकि आज नामांकन नहीं है, वो कल करेंगे, फिर भी आज किसी नामांकन से कम नहीं उनकी जो रोड शो। कम करो, ऊपर चलो, ऊपर ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, हमको दो, हमको पूरा भीड़ बनाओ। अब वहाँ से निकलेंगे। अब जब निकलेंगे तब बना, थोड़ा हमको भी आराम दो।